मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पर निबंध। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हर साल 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। इसे भारत में आधिकारिक छुट्टी के रूप में माना जाता है जो उस व्यक्ति के सम्मान के रूप में है जिसने जाति व्यवस्था को खत्म करने और भारत के नागरिक के समान अधिकार हासिल करने के लिए अथक संघर्ष किया। बी.आर. अंबेडकर या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्वतंत्र भारत के एक समाज सुधारक थे जिन्होंने भारत में सामाजिक असमानता के पूर्ण उन्मूलन के लिए काम किया, यानी जाति व्यवस्था। उन्होंने स्वतंत्र भारत के संविधान के निर्माण में भी मदद की। वह एक गहन विद्वान व्यक्ति थे और कानून, राजनीति और अर्थशास्त्र सहित कई क्षेत्रों में उत्कृष्ट थे। वह भारतीय गणतंत्र के प्रमुख नेताओं और वास्तुकारों में से एक थे। अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश में एक सेना छावनी में हुआ था। उनके पिता उस समय भारतीय सेना में एक अधिकारी थे। अंबेडकर स्वयं एक हिंदू निम्न जाति के थे और उन्हें समाज के कुलीन सदस्यों द्वारा अछूत माना जाता था। हालांकि उन्हें स्कूल जाने की अनुमति दी गई थी, लेकिन उन्हें बहुत सारे भेदभाव का सामना करना पड़ा, जैसे कि स्कूल में शिक्षकों से उचित ध्यान न मिलना, सार्वजनिक पोतों का स्पर्श न करना आदि। इस विदेशी उपचार ने इस बेतुकी विचारधारा के खिलाफ लड़ने के लिए उनके भीतर की आग को जला दिया और अपने साथियों के लिए तत्कालीन निम्न वर्ग से अधिकार प्राप्त करें। अंबेडकर को 1990 में भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उस युग के कई प्रभावशाली और विद्वान पुरुषों जैसे ओशो और ओबामा ने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के काम और विचारों की प्रशंसा की है। इसके अलावा एक विशेष दिन अंबेडकर जयंती उन्हें समर्पित करते हुए कई सार्वजनिक संस्थानों का नाम उनके नाम पर रखा गया है और कई फिल्मों और पुस्तकों को लॉन्च किया गया है जिसमें उस व्यक्ति के महान विचारों का वर्णन किया गया है जिसने देश को जातिवाद के प्लेग से बचाया और निम्न जाति के लोगों को हकदार किया। देश प्रेम में जिसने आराम को ठुकराया था, गिरे हुए इंसान को स्वाभिमान सिखाया था, जिसने हमको मुश्किलों से लड़ना सिखाया था, इस आसमां पर ऐसा एक दीपक बाबा साहेब कहलाया था।